السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں آپ کا خواجہ معین الدین. آج ہم لوگ پرانس مسالہ گریوی کری بنا کے دکھائیں گے نوابز کچن کے سٹائل میں, بہت ہی آسان طریقہ دکھائیں گے. چلیے, रेसिपी स्टार्ट करने के लिए बाउल गर्म होते ही हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे. इसी ऑयल में हम लोग करी लीव्स ऐड करेंगे. इमीडिएटली हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड ऑनियंस ऐड करेंगे. ऑनियंस थोड़ा सा कलर चेंज होते ही हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे. मसाला ग्रेवी करी प्रिपरेशन होने तक हम लोग जो पहले ही प्रिपेयर करा हुआ राइस पैक करते रहेंगे, एक तरफ हम लोग रेसिपी कंप्लीट करेंगे. जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह पकते ही भुने के बाद हम लोग इसमें रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे. नेक्स्ट हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड टमाटोज भी ऐड करेंगे. टमाटोज और ऑनियंस अच्छी तरह पके बाद हम लोग सॉल्टेड वाटर में वॉश करा हुआ प्रॉन्स इसमें ऐड करेंगे. प्रॉन्स टमाटो के साथ अच्छी तरह पकते वक्त हम लोग इसमें कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे. सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रॉन्स अच्छी तरह बॉईल होने के लिए 10 मिनट तक लिड क्लोज करके रखेंगे. प्रॉन्स मसाला ग्रेवी कर रही है और भी मज़ेदार करने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करेंगे.
नेक्स्ट हम लोग इसमें ऑल स्पाइसेस पाउडर गरम मसाला ऐड करेंगे। फाइनली इसमें हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर ऐड करेंगे। रेसिपी बहुत ही यम्मी लग रहा है। ऑलरेडी हम लोग राइस भी पैक कर चुके हैं, उसी के साथ साथ इसको भी पैक करके हम लोग नीडी पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी रेसिपी को आप भी अपने घर पे कोशिश करिए और आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और हमारे टीम को कांटेक्ट करने के लिए 786guardfood@gmail.com पर मेल करिए और हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।